तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे सामने हीरो ग्लैमर एक्सटेक, तो चलिए इसे राइड करते हैं, आपको राइड एक्सपीरियंस देते हैं। आप लुक्स देख लीजिए कैसा आ रहा है, मीटर वगैरह का काफ़ी अच्छा है और बाइक जो है वो भी काफ़ी अच्छा है। एग्जॉस्ट नोट आप सुन लीजिए, तो काफ़ी स्पोर्टी है एग्जॉस्ट नोट। गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर भी आपको मिल जाता है मीटर में। अगर ओवरऑल में हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो मतलब वन ऑफ द बेस्ट अभी ऑप्शंस बन गया है, काफ़ी फीचर्स के साथ आ रहा है और बाइक की जो राइड क्वालिटी है और इंजन का जो रिफाइनमेंट वगैरह है वो भी काफ़ी अच्छा हो गया है पहले के कंपैरिजन में। अब जो है मुझे ज़्यादा रिफाइंड भी लग रहा है और फीचर्स के साथ भी आया है। साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर वगैरह जो इस बार दिया गया है वो आपको अभी तक 125 सीसी सेगमेंट में और किसी भी बाइक में कंपनी ऑफर नहीं कर रही थी, इसमें आपको मिल रहा है। और अगर ऐसे हम बात कर लेते हैं तो ऐसे भी फ्रेंड्स ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन अभी बन गया है। बाइक जो है पुल वगैरह काफ़ी अच्छे से कर लेता है और सिटिंग पोस्चर वगैरह भी जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल है। स्पेशली अगर आप सिटी कम्यूटिंग के लिए एक बाइक लेने का अगर सोच रहे थे तो आप इसे ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स राइड करने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। i3s का आपको इस साइड में स्विच मिल जा रहा है, इंजन किल स्विच कंपनी ने दिया नहीं है और सिटी कम्यूटिंग के लिए ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन इस पर बन गया है। अभी फ्रेंड्स हम पिलियन के साथ भी राइड कर रहे हैं, पिलियन के लिए भी काफ़ी कंफर्टेबल है। आप टैंक वगैरह में देख सकते हैं क्वालिटी जो है इस बार वो काफ़ी अच्छा दिया गया है सब कुछ। और इसमें तीन कलर ऑप्शंस कंपनी ने लॉन्च किया है, एक फ्रेंड्स ब्लैक कलर और एक आपका कंपनी ने लॉन्च किया है इस बार। यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि मतलब ग्लॉसी में जो है ब्लैक, दूसरा मैट में यहाँ पर ग्रे जिसमें कि ब्लू में स्टिकरिंग है, और एक कंपनी ने लॉन्च किया है मतलब मैट में जिसमें कि आपको रेड में स्टिकरिंग मिल रहा है। तो ये अभी जो हम राइड कर रहे हैं ये ब्लू स्टिकरिंग वाला है और रेड स्टिकरिंग वाला जो है वो अभी तक मतलब आया है नहीं यहाँ पे। तो ओवरऑल में फ्रेंड्स सभी कलर ऑप्शन जो है वो अच्छा है, स्टिकरिंग का ज़्यादा यूज़ कंपनी ने किया नहीं है, माइनर से स्टिकर्स कंपनी ने लगाए हैं और चलाने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब रिफाइंड इंजन हीरो का इंजन आप जानते ही अच्छा रहता है। और प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो वो भी ज़्यादा नहीं है, 93,000 से 94,000 रुपीज़ के आसपास में जो है वो आपको इसका मतलब ड्रम वेरिएंट मिल जाएगा। और अगर आप उससे लगभग में 6-7 हज़ार रुपये अगर ज़्यादा लगाते हैं तो आपको लगभग में फ्रेंड्स यहाँ पे इसका जो है वो नॉर्मल वेरिएंट है 6-7 हज़ार रुपये, अगर आप ज़्यादा लगाते हैं 4 हज़ार रुपये के लगभग में तो आपको इसका डिस्क वेरियंट मिल जाएगा। तो एक बार फ्रेंड्स मैं आपको लुक्स और दिखा देता हूँ बाइक का, उसके बाद अब हम चलेंगे तो आप देख लीजिए और आप बताइए कि आपको जो है बाइक कैसा लगा है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है, फ्रंट से भी काफ़ी अच्छा लुक इस बार कंपनी ने दिया है। यहाँ पर LED में DRL जो है वो आपको मिल रहा है। एक बार पास लाइट दबाइए, पास दबाइए पास, और आप लाइट्स देख सकते हैं कुछ इस टाइप का आपको लाइट जो है मिल रहा है। हीरो का लोगो है 3D में, बल्ब में आपको इंडिकेटर्स मिल जाता है। इंडिकेटर्स मैं आपको दिखा देता हूँ, इंडिकेटर्स आप देख लीजिए इधर का, आपको बल्ब में मिलता है इंडिकेटर्स। और साइड लुक कुछ ऐसा आता है, काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। यहाँ पे आपको IBS की बैजिंग मिल जाती है इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम की। और फ्रेंड्स ग्लैमर का जो है वो आपको यहाँ पे लोगो मिल जाता है, और ये ब्लू में जो टेपिंग मैं आपको बता रहा था वो है, हीरो का लोगो है। और एग्जॉस्ट कुछ इस टाइप का आपको मिलता है। तो ये फ्रेंड्स वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। टेल लाइट आपको सेम मिल रहा है बल्ब में, मीटर आप देख ही लिए फ्रेंड्स, मीटर कुछ इस टाइप का आपको मिल रहा है। तो ओवरऑल में फ्रेंड्स वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस बन जाता है। तो आज के वीडियो में यही था फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ, थैंक यू फ्रेंड्स।